नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का विस्तार से। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में ईडी के दावे पर सीएम भूपेश बघेल का जवाब आया। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। किसी को पकड़कर दबाव बनाकर बयान देने का मतलब नहीं। बता दें कि ईडी ने प्रेस नोट जारी कर सीएम भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप लगाया था। ईडी की प्रेस नोट में दावा किया गया है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने नियमित अंतराल में सीएम को 508 करोड़ रुपए दिए। बीते गुरुवार को ईडी ने रायपुर और भिलाई में छापेमारी के बाद कैश कुरियर असीम दास और कांस्टेबल भीम यादव को गिरफ्तार किया, जो फिलहाल 7 दिन की हिरासत में है। असीम दास के बयान और शुभम सोनी की ईमेल के आधार पर ईडी ने ये दावा किया है। जो असीम दास नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, उसने आपको 508 करोड़ रुपए भेजे हैं। क्या लग रहा है कि बक्से में यही आया था क्या छत्तीसगढ़? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो। मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया है। सर, आपने कहा कि आपको परेशान किया जा रहा है, तो वो तो है ही। अगर ये परेशानी नहीं होती, ये परेशान बघेल इसीलिए ईडी के खिलाफ ऐसी बयानबाजी देते थे क्योंकि महादेव के मामले में वो भी संलिप्त थे। अभी रमन सिंह ने 500 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की है। हमने कोई तथ्य है? मैंने आपको पैसा दिया, दिखना चाहिए ना। जैसे 5 करोड़ रुपया आपने कहा कि ये दिख रहा है, आपने फोटो खींच के डाल दिया। अब वो 5 करोड़ में से मैंने आपको कितना दिया, आपके पास मिलना चाहिए ना। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला, वहाँ तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए? इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? जो भीम यादव है, जो कांस्टेबल है, वो पकड़ा गया है, उसमें आरोपी सिद्ध हुआ है। और इसमें जो असीम दास है, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये सब पहुंचाने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक। ईडी के दावे पर सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी, डीआरआई और सीबीआई जैसी एजेंसियों के सारे छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव के ठीक पहले ईडी ने मेरी छवि धूमिल करने की सबसे कुछ से प्रयास किया। यह कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने का राजनीतिक प्रयास है। रायपुर के एक होटल और भिलाई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान से पकड़े गए 5 करोड़ 39 लाख रुपए मामले में ईडी ने असीम दास और सुपेला थाने में पदस्थ पुलिस कांस्टेबल भीम सिंह यादव को गिरफ्तार कर विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने ईडी को पूछताछ के लिए आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर सौंपा है। वो इन्वेस्टिगेशन में ये पता पड़ा है कि वो पैसा, अभी इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के समय में पॉलिटिकल मास्टर्स को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही लाया गया था। तो संदर्भ में हमने माननीय न्यायालय से 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। दोनों पक्षों के तर्कों को श्रवण करने के पश्चात माननीय न्यायालय ने हमें 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड दोनों एक्यूज पर्सन की ग्रांट की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करने के पहले कवर्धा में पंडरिया ब्लॉक के रणवीरपुर गांव में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव के साथ पंडरिया, कवर्धा और साजा के बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं को जिगर का टुकड़ा बताया। आपका वोट भावना बेन और ईश्वर साहू को MLA बनाने के लिए नहीं है। आपका वोट छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने के लिए आपका वोट भाई भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने के लिए आपका वोट। और सीएम अपना टाइम समाप्त न होने के लिए ढेर सारे घोटाले ये 5 साल के अंदर किए हैं, इनको देखते ही पूरे छत्तीसगढ़ का युवा कहता है 30% भूपेश कक्का। पूरा युवा उनको देखते ही बोलता है 30% भूपेश कक्का।
एक कांग्रेस का बनाया हुआ प्रीपेड सीएम है, कांग्रेस ने प्रीपेड सीएम बनाया है। अगर गलती से भी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए तो प्रीपेड कार्ड को कांग्रेस रोज स्वैप कर एटीएम से हजारों करोड़ रुपया निकाल कर ले जाएगी, मगर सरकारी मशीनरी का उपयोग कर गरीब आदिवासियों का धर्मांतरण कराने का ये जो शुरुआत किया है ना, वो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा नहीं। हमारी सरकार किसी के भी धर्म के मामले में दखल नहीं करेगी और सरकार प्रेरित धर्मांतरण को बिल्कुल कठोरता के साथ रोकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे में अभनपुर में सभा की। अभनपुर की सभा में सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी कुमारी सैलजा भी मौजूद रहे। इस सभा में अभनपुर राजिम आरंग और कुरुत के कांग्रेस प्रत्याशी भी मंच पर मौजूद थे। हमारे फैक्ट्री थे बड़े बड़े, बीएल बीएचईएल और दूसरे दूसरे टेलीफोनिक इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, ये कारखाने हम खोले, लेकिन मोदी साहब गालियां देने का एक कारखाना खोले और झूठ बोलने का कारखाना है उनके पास, हर जगह झूठ बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए आज बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल के तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया और इसे लॉन्च किया गृह मंत्री अमित शाह ने। शाह ने सबसे बड़ा वादा किसानों और धान खरीदने को लेकर करते हुए कहा कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 के मूल्य से खरीदेंगे, साथ एक मुश्त भुगतान करेंगे। इसके अलावा मजदूरों को 10,000 रुपए देने का वायदा भी बीजेपी ने किया। इसके अलावा शाह ने कहा कि रामलला दर्शन योजना बीजेपी शुरू करेगी, जिसमें अयोध्या के दर्शन छत्तीसगढ़ के गरीबों को कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए आज बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक के तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी किया। अपने संकल्प पत्र को बीजेपी ने नाम दिया है मोदी की गारंटी। इसे लॉन्च करने पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह। शाह ने सबसे बड़ा वायदा किसानों और धान को लेकर किया। बीजेपी प्रदेश के किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना लाई है, जिसके तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के मूल्य पर खरीदा जाएगा और इसका भुगतान एक मुश्त होगा। इसके अलावा मजदूरों को 10,000 रुपए देने का वायदा बीजेपी ने किया है। वहीं प्रदेश की विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने की योजना महतारी वंदन योजना का भी ऐलान हुआ। इसके अलावा प्रदेश की गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान हुआ है। युवा वोटर्स को साधने के लिए 1,00,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। पीएम आवास को लेकर बीजेपी का ऐलान है कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में 18,00,000 प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत 10,00,000 रुपए तक का इलाज होगा, जिसमें शुरुआत में 5,00,000 रुपए आयुष्मान बीमा से, जबकि उसके ऊपर खर्च होने पर 5,00,000 रुपए सीएम राहत कोष से दिया जाएगा। हर जिले में सिम्स और सीईटी बनेंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के मूल्य से एक मुश्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं दे। 1,00,000 खरीफ पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। हम प्रत्येक परिवार को 5,00,000 की योजना तो देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ 10,00,000 तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाए। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला, उन पर गोबर घोटाला, महादेव ऐप घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगाए। सबको आप काफी पेश कर दिए, वो जितना है उसमें कोई मेहनत नहीं और नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। ये किसानों की मांग थी और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी, समर्थन मूल्य 3100 रुपया किसानों को दिया जाएगा, बोनस की राशि एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। अब ये 3 दिसंबर के नतीजे साफ करेंगे कि ये घोषणा पत्र क्या बीजेपी के लिए वाकई गेम चेंजर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक के तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और इसे मोदी के गारंटी नाम दिया गया और इसे लॉन्च किया गृह मंत्री अमित शाह ने। शाह ने सबसे बड़ा वादा किसानों और धान खरीदी को लेकर करते हुए कहा कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 31 रुपए मूल्य से खरीदेंगे, साथ ही एक मुश्त भुगतान करेंगे। इसके अलावा मजदूरों को 10,000 रुपए देने का वादा भी बीजेपी ने किया है। तो भाजपा ने छत्तीसगढ़ का संकल्प पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया गया। भाजपा ने हर वर्ग को शामिल करते हुए कई बड़े वादे किए। इसे लेकर राजनीतिक और गैर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसका नाम मोदी की गारंटी दी गई है। तो छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की ने जो गारंटी रखी है उसमें तमाम वर्गों को शामिल किया गया है। इसमें किसान, मजदूर, गरीब महिलाएं और युवाओं को शामिल किया गया है। सभी के लिए अपनी अपनी योजनाएं हैं। 1,00,000 योजनाएं जो रिक्त नियुक्तियां हैं उनको भरने की बात कही गई है। महतारी वंदन योजना लाई गई है। किसानों के लिए 21 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। क्या लगता है जो संकल्प पत्र भाजपा ने लाया है कितना आम जनता को ये सीधे टच कर रहा है? आम जनता के लिए भी भाजपा ने बहुत कुछ सोच के रखा है और बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो लाने का अपने घोषणा पत्र में घोषणा कर चुकी हैं। जैसे कि महतारी वंदन योजना है जिसके अंतर्गत 12,000 रुपये की वार्षिक सहायता उनको दी जानी है। इसके अलावा महिला वर्ग में सिलेंडर के लिए जो उन्हें 500 रुपये की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान इसकी घोषणा की है। बिल्कुल। और भी किसान भी यहाँ पर है, क्या लगता है जिस तरह से घोषणा पत्र भाजपा का आया है कैसे देखते हैं इसको? घोषणा पत्र में जो है 21 क्विंटल धान 3100 रुपये तो बहुत अच्छे ही किया है और एक बार पैसा जो दे रहा है ये सबसे लाभदायक है किसानों के लिए, बार बार दौड़ना नहीं पड़ रहा है। देखिए ये संकल्प पत्र आया है जो छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ को बढ़ाने के लिए और स्वर्गीय अटल जी का छत्तीसगढ़ बनाया हुआ है उसको समृद्ध बनाने के लिए संकल्प पत्र आया है। बिल्कुल। युवा किस तरह से देखते हैं जो जो घोषणा पत्र में गारंटी दी गई है आम जनता के तौर पर, युवा के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? युवाओं के लिए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस घोषणा पत्र में बहुत लोक कल्याणकारी योजनाओं को लाया गया है। जैसे शिक्षित शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को छात्रवृत्ति 2,00,000 रुपये, स्कूली और कॉलेज में पढ़ने वाले स्नातकोत्तर के बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया जा रहा है। जी हम लोग को ऐसा लगा था कि कम से कम इस बार तो कम से कम युवाओं के हित में, छात्रों के हित में बीजेपी सरकार घोषणा पत्र लाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे पूर्व में सेंट्रल की गवर्नमेंट ठगने का काम की थी युवाओं को कि चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो तो वही घोषणा यहाँ भी की है कि 1,00,000 युवाओं को रोजगार दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के युवा जो है समझदार हो गए हैं, उनको पता है कि उनको पूर्व में कैसा ठगा गया था और ये सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। युवाओं के लिए बीजेपी की सरकार कुछ नहीं करने वाली है। बिलासपुर में भी यहाँ पर भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है, जहाँ एक तरफ एक वर्ग मानता है कि तमाम जिन वर्गों को, जिन सेक्टर्स को इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है उससे लोगों को फायदा होगा, वहीं कहीं ये भी मानते हैं कि जो घोषणा पत्र है उस पर अमल हो तभी आम जनता तक ये घोषणाएं पहुंच सकेंगी। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर। तो बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। बीजेपी नेताओं ने घोषणा पत्र को ऐतिहासिक बताया। अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि घोषणा पत्र हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और ये तस्वीरें देखिए, गरियाबंद से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर इस घोषणा पत्र पर खुशी जाहिर की गई। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस घोषणा पत्र में यह कहा गया। पत्थलगांव, भानुप्रतापपुर और सारंगढ़ की आप तस्वीरें देखें, मिठाई बांटकर खुशी जताई गई। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करके प्रति क्विंटल 21 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की गई। 3100 रुपया किसानों को दिया जाएगा, ये घोषणा पत्र का प्रमुख बिंदु है। तीसरा इसी में महत्वपूर्ण विषय किसानों का बोनस की राशि, अलग अलग साल भर आगे पीछे करने के अपेक्षा एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। गैस सिलेंडर 500 रुपया, महतारी जतन के लिए 12,000 रुपया, अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिससे पूरी छत्तीसगढ़ के विकास होगी, किसान समृद्ध होंगे, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आपका इलाज के लिए, जिससे एक प्रकार से जनता को सीधा राहत मिलेगा। 3100 रुपया क्विंटल और पर एकड़ 21 क्विंटल धान मतलब लिया जाएगा, जिसमें से 1,00,000 नौकरी, तेंदुपत्ता में भी हम लोग वृद्धि बढ़ाए हैं, समावेशी योजना
का जो ये घोषणा पत्र आज जारी हुआ है, निश्चित है छत्तीसगढ़ वासियों को इसका लाभ बहुत मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार को इंदौर के विधानसभा दो पहुंचे और फीता काटकर बीजेपी प्रत्याशी रमेश मेंदोला के कार्यालय का उद्घाटन किया और मेंदोला के पक्ष में जनसभा कर उसे जिताने की अपील की। लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन कितने लोगों ने देखा है भाई? देखा है? देख लेना, जैसा आप वीडियो में जापान का रेलवे स्टेशन देखते हो, जर्मनी का रेलवे स्टेशन देखते हो, उससे बेहतर रेलवे स्टेशन बनेगा लक्ष्मीबाई नगर और इंदौर। इंदौर के स्टेशन को भव्य स्टेशन बनाया जा रहा है, भव्य। और सबसे बड़ी बात है, शहर के दोनों हिस्सों को एकदम जोड़ सके, वैसा मोदी जी ने टारगेट दिया है। इंदौर विधानसभा दो में बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय ओपनिंग के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आए हैं। सर, आज का हुजूर देखे क्या लग रहा है, आज का माहौल देखे क्या लग रहा है? आज आपने पब्लिक भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हो रही है। सर, इंदौर को एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन बनाने की बात कही है सर, एक आखिरी कमेंट सर आपसे, एक आखिरी कमेंट सर। इंदौर बहुत बड़ा रेलवे हब बन रहा है जी। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंदौर को एक बड़ा रेलवे जंक्शन बनाने की तैयारी है और मध्य प्रदेश सहित बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि सिसोदिया, इंदौर। सूरजपुर जिले में चुनावी सरगर्मी तेज है। भटगांव विधानसभा के बुंदिया गांव में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और टीएस सिंहदेव की बहन आशा सिंह ने पूर्व शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ आम सभा को संबोधित किया और जनता से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। टिकट काटे नहीं जाते हैं, टिकट जो है पार्टी आकलन करके, मूल्यांकन करके और जगह जगह पे किस स्थान पे किसको बिठाना है उसको देख के ये करती है। अब शिकायतें रहती हैं, दूर भी होती रहती हैं। अब ये प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। आप जनता का प्यार रहा है 40 साल तक, हमको अपने प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला 40 के 43 साल तक के रहे, अब दूसरे को मौका मिलना चाहिए। एमपी चुनाव में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता वोट बैंक के लिए लोक लुभान वादे कर रहे। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी मैदान संभाले हुए हैं, तो वहीं बीजेपी से पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं। नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में लगभग शक्ति केंद्रों के सम्मेलन हुए हैं, बूथ के सम्मेलन हुए हैं, तो निरंतर हमारा प्रक्रिया जारी है और मजबूती के साथ प्रचार हमारा कार्यकर्ता घर घर जाकर कर रहा है, सरकार की योजनाओं को लेकर के, पार्टी संगठन के हमारे काम को लेकर के। कांग्रेस सबसे बड़ा, कांग्रेस मुख्य मुद्दों पर चुनाव लड़ रही, कांग्रेस किसी भ्रमित करने वाली बातें नहीं कर रही, ना ध्रुवीकरण की बातें करती। हम मुख्य मुद्दों पर, महिला सुरक्षा पर, किसानों पर, बेरोजगारी पर, प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला उस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि भंग हो चुकी है, देश में इनकी इकाई पर केंद्रीय नेतृत्व को भी भरोसा नहीं रहा, इसलिए अमित शाह ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। इंदौर में सांसद शंकर लालवानी ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि यह चुनाव ऐतिहासिक है, मौके और धोखे के बीच का यह चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी विकास का एक मौका है जबकि कांग्रेस सिर्फ धोखा है। विकास की सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश को पीछे ले जाने वाली कांग्रेस के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी एक मौका है और कांग्रेस सिर्फ धोखा है। एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ बिना इंजन की सरकार है। अब जनता जान गई है कि मोहब्बत की दुकान पर सिर्फ नफरत का सामान बेचा जाता है। इंदौर के राव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने नाना पटवारी को उसके साथियों समेत जेल भेज दिया। कांग्रेस के राव के प्रत्याशी जीतू पटवारी के भाई के ऊपर प्रकरण बड़े लंबे समय से लंबित थे। चूंकि उनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो चुनाव के अंदर धमकाने का, डराने का भी काम किया, उसके भी कई मामले सामने आए।
चुनाव को प्रभावित करते हैं। कानून के सम्मत तो हर व्यक्ति के ऊपर, कोई भी कितना बड़ा रसूखदार हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, यदि वो कानून हाथ में लेता है, अपराध करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उसी के तहत इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ चुनावों को इनको चुनाव से दूर रखना चाहिए। देखिए, जीतू पटवारी के भाई के ऊपर कोई ऐसे बहुत बड़ा आपराधिक केस नहीं है। किसान आंदोलन के केस जरूर है। वो खुद से पुलिस स्टेशन में गए और वहाँ पर कोर्ट में जाने के बाद जज ने कहा कि इन्हें जेल में डाल दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके उम्मीदवारों के साथ, कैलाश विजयवर्गीय के साथ और गोलू शुक्ला के साथ कितने अपराधी घूम रहे हैं। इंदौर विधानसभा चुनाव में अब हमास और फिलिस्तीन युद्ध की एंट्री हो गई। विधानसभा एक के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि किसी मुस्लिम लीडर ने उन्हें जानकारी दी है कि कांग्रेस फिलिस्तीन और हमास के बर्बरता वाले वीडियो मुस्लिम बस्तियों में सप्लाई कर रही है और इसका आरोप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं कि उन्होंने कैसे हालात कर दिए। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमीनुल खान ने कैलाश विजयवर्गीय को मानसिक दिवालिया घोषित कर दिया। मुझे तो एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने बताया कि कांग्रेस फिलिस्तीन के और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो उसके वीडियो सप्लाई कर रही है सबदूर मुस्लिम बस्तियों में, मुस्लिम बस्तियों में वहाँ के वीडियो सप्लाई कर रही है कि देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी के पास लगता है मुद्दों का भयंकर अभाव हो गया है और मानसिक दिवालियापन की अपनी सबसे बड़ी जो लेवल है उस पर इस समय कैलाश विजयवर्गीय प्रेजेंट हैं या वहाँ पर बैठे हुए हैं। ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जयभान सिंह पवैया ने कहा कि कांग्रेस हमास के आतंकियों के लिए खरगोन में श्रद्धांजलि सभा कर मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को अपना रही है। तो आप बाबरी ढांचे के साथ अपने नेताओं का रोदन करते हुए फोटो लगाकर पोस्टर लगाइए ना, मध्य प्रदेश में मांगे ना बाबर को अपने पूर्वज मानने वालों का वोट। हमास समर्थक दंगाइयों को ऐसी वोट बैंक को पोलराइज करने की कोशिश में हिंदू समाज को अपमानित करने की कोशिश कर रही। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर एमपी में पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत कर दी। 1 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान में प्रदेश के लाखों कर्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पीएमओ को पोस्टकार्ड भेज रहे हैं। अब वादा कमलनाथ जी का है, वचन कमलनाथ जी का है, जरूरत नहीं है प्रदेश के कर्मचारियों को नरेंद्र मोदी जी या प्रधानमंत्री महोदय के दर पर जाने की, क्योंकि अब यहाँ कमलनाथ जी आने वाले हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस की सरकार में लागू होगी और ये बीजेपी की दमनकारी सरकार की दमनकारी नीति जो है ये आज जनता के सामने है। कैसे उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को साफ तौर पर नहीं बहाल करने के बयान जो है ऑन रिकॉर्ड दिए हैं। ये सरकारी स्तर पे इस पर विचार भी किया जाएगा और जो जनता का अधिकार है अपने प्रधानमंत्री को अपने विचार और अपनी मांग रखने का, तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है। आने वाले समय में इस जो मांग को भी लेकर गंभीरता के साथ विचार करके इसको इम्प्लीमेंट करने का काम सरकारें करेंगी। 5 लाख पोस्ट कार्ड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके निवास के पते पर 7 रेड क्रॉस रोड नई दिल्ली के पते पर हम भेज रहे हैं। कल से हमारा ये अभियान 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस था उस दिन से शुरू हो गया है और ये पोस्ट कार्ड हम नरेंद्र मोदी जी को इसलिए लिख रहे हैं कि नरेंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी, न्यू पेंशन योजना को आप वापस लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करिए और जो कर्मचारी हितेशी है ओपीएस पुरानी पेंशन योजना उसको लागू करिए। मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का बड़ा दावा किया। भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 15 मार्च से पटवारी भर्ती परीक्षा शुरू हुई और 25 अप्रैल तक चली। इस मामले में पुलिस ने 4 अप्रैल को सार्वर्स की ओर से किए जा रहे फर्जीवाड़े को पकड़कर FIR दर्ज किए। राष्ट्रीय कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस बात के लिए कटिबद्ध है, हमारा वचन है कि 15 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक पेपर सॉल्वर गैंग, आधार कार्ड की आइडेंटिटी बदलने वाला शिवराज सिंह चौहान की नाक के नीचे हुआ, कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता नजर आती है, मैं इल्जाम लगाता हूं, इस सब की जांच होगी। खुद मुख्यमंत्री की भूमिका शिवराज सिंह चौहान की जांच होगी जैसे ही कांग्रेस की सरकार का गठन होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज भोपाल में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस को जमकर घेरा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मध्यप्रदेश के चुनाव में कोई हनुमान जी की स्थिति गा रहा, कोई हिंदू धर्म के मर्म को समझ रहा है। राम जन्मभूमि को लेकर क्या परेशानी है आपकी भाई, क्यों परेशानी है? हमने तो कभी नहीं कहा राम हमारे हैं,
राम तो देश के हैं, राम सनातन है, राम तो आज विश्वरूपी है। कभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका जी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अयोध्या जाके प्रणाम किए क्या? करने का सोचते हैं क्या? तो आपको अयोध्या के विषय से इतनी नफरत क्यों हो जाती है? वाई? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान को महज 13 दिन का ही अब वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने अपना जनसंपर्क तेज कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मंडला जिले के आदिवासी बाहुल बिछिया पहुंचे, जनसंपर्क किया। परिपूर्ण आदिवासी भाई और बहनों के लिए काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। ये तो केवल वोट बैंक मान करके काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो देश के लिए आवश्यक है, समाज वर्गों के लिए जो आवश्यक है, उस पर कुशल रणनीति के साथ, सबके साथ, सबके विकास के मंत्र के साथ जो आवश्यक है वो देश के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है वहां छठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण का मुद्दा भी गर्माया है। पहली बार मतांतरित समुदाय की तरफ से सर्व आदिवासी दल ने चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बस्तर की 9 समेत संभाग की 12 विधानसभा सीटों पर सर्व आदि दल धर्मांतरण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा। हमको उतरने की जरूरत है क्या? हमारी अनदेखी कर रही थी, संविधान का पालन नहीं हो रहा था, हमको मारा काटा जा रहा था, हमारे पादरियों को गोलियां मार के हत्या कर दी, 4 हत्याएं हुई हैं जो आज तक कभी नहीं हुई थी, और उसके बाद हमारे लाशों को खोद के सड़क से बाहर फेंक रहे हैं, हमारे घर मकान सब जला दिए हैं, पुलिस कोई काम कर नहीं रही। लोगों ने यहां बस्तर में 9 सीट उतारी है, 9 सीट में से 3 सीट हम लोग जीत रहे हैं, वो है अपना जगदलपुर के, सेकेंड नंबर में भी आ सकते हैं, पर कोंटा की और चित्रकूट की सीट हम बिल्कुल 100% जीत रहे हैं। शिक्षक ट्रांसफर घोटाला मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी बनाने को कहा। कमेटी में 5 ज्वाइंट डायरेक्टर सदस्य होंगे। यह कमेटी सभी मामलों की सुनवाई करेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। वो सूबे में सियासी पारी के साथ ही सब्जियों के दाम भी अब आसमान छू रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच अब महंगाई ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में आम जनता का क्या कहना है, किसकी सरकार बनाना चाहेगी ताकि इस बार उनको महंगाई कम देखने को मिले, ऐसे में आम जनता का क्या कहना है, उसे जानने के लिए हम लोग इंदौर की चोइथरा मंडी पहुंच चुके हैं। जनता क्या चाहती है ये जानने के लिए हम लोग लोगों के बीच निकले, उन्हीं से बात करके जानेंगे क्या कहना है। दादा, लगातार जो टमाटर और प्याज है उनके भाव तेज होते जा रहे हैं, ऐसे में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे मैडम, इसके लिए हम कमी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कमी होना चाहिए ना। किसकी सरकार बनाना चाहिए? देखो, जो सरकार अच्छी चलेगी अपनी उसके लिए सही है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अभी फिलहाल देखे तो महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में क्या चाहते हैं? सस्ता होना चाहते, जनता यही चाहती है और क्या। दादा, आपसे पूछूंगी मैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में आम जनता क्या चाहती है? आम जनता चाहती है कि महंगाई कम हो, सबको राहत मिले। इस बार आप लोगों के हाथ में है महंगाई कम करने के लिए? सरकार सब्जियों में कम होने लगे है। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। दादा, आपसे पूछूंगी मैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में आम जनता किसके साथ खड़ी है? आम जनता तो मोदी जी के साथ ही खड़ी है। भाजपा की सरकार चाहिए? भाजपा की। आप किसकी सरकार? जी भाजपा। हमने जानने की कोशिश की कि इस बार आम जनता क्या चाहती है। कुछ लोग बीजेपी के साथ खड़े तो कुछ कांग्रेस की सरकार की भी मांग करते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं हारिका शर्मा, IPC24 इंदौर। मुरैना से खबर, जहां युवक ने फायरिंग किया। मामूली विवाद पर युवक ने गोली चला दी। बदमाश श्याम तोमर ने गोली चलाई है। युवक इंदल सिंह गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। दिमनी थाना के रथौल के पूरा गांव की ये पूरी घटना है। तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। तो ये बड़ी खबर,
और इस बीच गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां मध्याह्न भोजन का राशन बेचना महंगा पड़ गया। प्राथमिक शाला के शिक्षक संतराम जोंगरे को निलंबित कर दिया गया। मध्याह्न भोजन के राशन चावल को बेचने के आरोप में 36 बोरा चावल दुकानदार को बेचने के मामले में शिकायत हुई थी। ग्रामीणों ने शिक्षक संतराम के खिलाफ शिकायत की थी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लाल आतंकी कायराना करतूत सामने आई। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना लांजी थाना क्षेत्र के भक्कू टोला गांव की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। तीन जन घुसे थे, एक जन बाहर था। चार लोग थे। चार लोग थे तो उनके पास कोई हथियार वगैरह कुछ था? हाँ, हथियार था। क्या था? बंदूक था चारों के पास। कैसे निकाले आए तो दरवाजा खटखटाया कहते हैं, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोले और दरवाजा जैसे खोले वैसे नाम पूछे, आपका ही नाम है क्या, शंकर करके, और बोले हाँ नाम मेरा ही है, तो फिर लेके चले गए। ये कह रही हूँ, मध्य प्रदेश के खरगोन में दो अलग अलग इलाकों में हुए सड़क हादसे में करीब 29 लोग घायल हो गए। घायलों में चार बच्चे भी शामिल हैं। कसरावत के दोगावा के पास तेज रफ्तार यात्री बस बेकाबू होकर झाड़ियों में जा घुसी और इस हादसे में करीब 25 यात्री घायल हो गए। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दो अलग अलग हादसे जिसमें 29 लोग घायल हुए, तेज रफ्तार बस पलट गई और इधर चार बच्चे जो है वो घायल हुए हैं स्कूली वैन पलटने से। जबलपुर के ग्राम घनसौर के पास भीषण हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक के मौके पर मौत हो गई। एक महिला बच्ची समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अनूपपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कोतमा इलाके में मकान और गोदाम में छापामार कार्रवाई करते हुए 360 किलो विस्फोटक पदार्थ जब्त किया है। जिस मकान और गोदाम में विस्फोटक बरामद हुआ वह राहुल अग्रवाल नाम के व्यापारी का बताया जा रहा है। ये एक काफी बड़ी मात्रा है और घनी बस्ती में इस तरह का विस्फोटक सामग्री का भंडारण, ये अवैध होने के साथ साथ जोखिम भरा भी है। कुछ टेस्टिंग भी की जिससे कि प्रथम दृष्टया एक्सप्लोसिव की श्रेणी उन्होंने बताया, जिसके आधार पर इसमें पुलिस अधीक्षक ने और उनकी टीम ने बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की है, जब्ती की है। इसकी एफएसएल की रिपोर्ट आएगी जैसे कि मुझे बताया गया पुलिस अधीक्षक ने, उसके आधार पर इसमें और भी धाराओं में इजाफा होगा। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में अत्याधुनिक फिश एक्वेरियम बनाने की तैयारी है। यहाँ फिश एक्वेरियम बेहद ही शानदार होगा। इस एक्वेरियम में जाते ही ऐसा लगेगा जैसे मछलियां आपके सिर के ऊपर तैर रही हों। लोग प्लान ये कर रहे हैं कि उसमें दोनों तरह की फिशेस रहेगी, जिसमें फ्रेश वाटर फिशेस वो भी रहेगी, दूसरी जो मरीन वाटर की जो रहती है जिनको साल्टी वाटर की मछलियाँ बोलते हैं वो भी रहेगी साथ में, और इसका पानी भी हम लोग यहीं पर बनाएंगे क्योंकि उसका पीएच वगैरह सभी सब मेंटेन करना पड़ता है और उसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत होती है, इसीलिए हम लोग टेंडर फ्लोट करने की तैयारी में और पीपी मॉडल पर उसको फ्लोट करेंगे हम लोग। मुरैना से बड़ी खबर, जहां युवा के हत्या का विरोध किया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, ट्रैक्टर रख कर और टायर जलाकर यहां पर विरोध कर रहे हैं। दो घंटे बाद भी पुलिस यहां पर मौके पर नहीं पहुंची है। बीएसएफ के जवान मौके पर हैं और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, लोग घरों से बाहर निकल गए। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां एनसीआर में भूकंप के तेज झटके यहां पर महसूस किए गए हैं, लोग घरों से बाहर निकला है। 5.9 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, 5.9 भूकंप की तीव्रता मापी गई है, लोग घरों से बाहर निकला है।
देखिए बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, 5.9 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। बढ़ते आगे, बीजेपी के बगावत कर अपनी पार्टी बनाने वाले नारायण त्रिपाठी को बड़ा झटका लगा। नारायण की पार्टी के उम्मीदवार ने ही उनका साथ छोड़ दिया। विंध्य जनता पार्टी के भोपाल दक्षिण विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी मनीष पांडे ने कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी पीसी शर्मा को समर्थन देते हुए अपना नाम वापस ले लिया है। मनीष पांडे, इन्होंने कल मेरे पक्ष में विड्रॉल कर लिया है और पूरा समर्थन ले लिया है। मेरी स्वयं की इच्छा तो प्रबल थी, भाई साहब के साथ में हमेशा मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा है, इनके बिल्कुल छोटे भाई की तरह मैं हमेशा आता रहा हूं। तो यह के इसमें दक्षिण पश्चिम विधानसभा के समर्थन देने में हमारे माननीय विधायक मतलब नारायण त्रिपाठी जी की सहमति है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में नमस्कार।